हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आलसी रसोईया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक सीजनल रेसिपी बनाएंगे जो मशरूम और मटर से बनेगी, मटर मशरूम मसाला। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनेगी और इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने मशरूम ले लिए हैं 250 ग्राम्स, एक बड़ा प्याज, एक बड़ा टमाटर, दो हरी मिर्च, एक लहसुन की कली और मटर। मटर आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 250 ग्राम्स में 100 ग्राम्स मटर डाली है। और अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने लहसुन और प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ये हमारा ज़ीरा भुन गया है। अब हम इसमें अपना प्याज का मसाला डाल देंगे, इसको थोड़ी देर भूनेंगे थोड़ा ब्राउन होने तक। अब हम अपने टमाटर पीस लेते हैं। टमाटरों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। मेक श्योर कि आप अलग अलग ही मसाला पीसें और भूनें, क्योंकि ये उससे बहुत अलग टेस्ट आता है। एक साथ नहीं पीसना है, अलग अलग टमाटर और प्याज को पीसना है। ये देखिए, हमारे टमाटर भी पीस गए हैं, हमारी जो प्याज है वो भी भुन गई है ऑलमोस्ट। ये देखिए, थोड़ी ब्राउन हो गई है। ये अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हमने जो टमाटर पीस के रखे थे, हम उसको ऐड करेंगे इसमें। देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर टमाटर पकाएंगे। ये देखिए, ये हमारे टमाटर काफ़ी पक गए हैं। ये देखिए, ऐसा देखेगा मसाला बनने के बाद। ये देखिए, ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं या काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले इसमें। देखिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, हमारा मसाला अच्छे से भुन भी गया है। अब हम इसमें अपने मटर ऐड करेंगे। देखिए, मैंने मशरूम थोड़े छोटे छोटे काटे हैं, आप चाहें तो बड़े भी काट सकते हैं। देखिए, इसमें मशरूम ऐड करेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे, मसाले को पूरा कोट करेंगे मशरूम और मटर में। उसको भी देखिए ऐसे। ये देखिए, अब इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। इसमें सीटी नहीं लगानी है, सिर्फ ढक के पकाना है। ये देखिए, अब चेक करते हैं अपने मटर मशरूम की सब्ज़ी। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे से गल गई है और काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये देखिए, ये देखिए, हमारी मटर मशरूम की सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। थोड़ा सा और पकाएंगे, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए, अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए, कितनी अच्छी दिख रही है। आप इसको सब्ज़ी, रोटी, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे, ये देखिए, क्रीम से। ये देखिए, कितनी अच्छी दिख रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल आलसी रसोईया को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और कौन सी रेसिपीज़ आप चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इन अ हेल्दी वे। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी से बन जाती है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू सो मच।